आगे क्या होता है प्यार। बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब। धन्यवाद धन्यवाद भाई जी। बधाई मामा जी, बहुत बहुत जीते लोग, बहुत बहुत अरे वाह, बधाई मामा जी, बहुत धन्यवाद। ये है, ये मेरे साथ हैं राज जी, ये पटेल जी और ये आरिफ, ये यही हैं आरिफ। कभी नौकरी करने की खुशी, कभी शादी की खुशी, कभी तुम्हारे की खुशी, जिंदगी का सफर कारवां चलता गया चलता गया और हम यहाँ आज पहुँचे हैं कि आज मेरे हस्बैंड की रिटायरमेंट सेरेमनी हमने रखी है और आज बहुत बेदाग निकलना नौकरी से बहुत बड़ी बात होती है और आज इस खुशी में मेरे आज ये रखा गया है। आज हम घर के सब लोग हैं, जिंदगी का सफर है। आई लव यू जोशी जी। चलिए आप अपना केक देखिए पहले, कुछ इसके बारे में बताइए, कुछ चार कुछ चार बातें बोलिए। आपकी बेटी ने उसमें प्लास, उसमें अच्छा, उसमें ऐसी चीजें लगाई है, टूल्स बनवा दिए, वायर है उसमें, हाँ देखिए, अरे टूल बनवा रखे देखिए तो, और उसका जो ये एमआरएफ बना रखा है, ग्लास बना रखा है, मुझे चुप कराना पड़ेगा क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंट बोलने की आदत है, जब शुरू हो जाता हूँ फिर बोलता जाता हूँ। जब मेरा जन्म हुआ उस समय मेरे पिताजी चाइना वॉर लड़ रहे थे, चाइना वॉर में, मतलब मेरे जन्म के समय मेरा नामकरण संस्कार मेरे पिताजी द्वारा किया फौज में, उन्होंने बाद में मुझे देखा, मैं 7 साल की उम्र का था जब चंडीगढ़ से आया था, पिताजी के साथ चंडीगढ़ में रहे, 3 साल आर्मी में रहे। पिताजी मेरे बहुत कड़क अनुशासन वाले थे, मतलब इतना जबरदस्त अनुशासन था कि मुंह से बाद में बोलते थे, हाथ पहले पड़ते थे अगर कोई भी गड़बड़ी कहीं पाई गई तो उनके उस कड़े अनुशासन में रहते हमने जो भी उन्नति की, आज भी उनका वो अनुशासन मुझे याद आता है। पढ़ाई के दरमियान भी उन्होंने कभी जितना भी जो उनसे उस समय बन सकता था उन्होंने कहीं कोई कमी नहीं की, हम लोगों के लिए कहीं कमी नहीं की। तो जितना भी हम आज हैं मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, उन्होंने मेरे लिए संघर्ष किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं 1983 में डिप्लोमा करने के बाद, 21 साल की मेरी उम्र थी, 9 जनवरी 1984 से जॉब कर रहा हूं और जॉब करने के बाद मैं अपने पिताजी से इतना अटैच था कि जॉब में लगने के बाद पिताजी का मेरे साथ बिल्कुल मित्रवत व्यवहार हो गया था, फिर वो गुस्सा और ये सब इरिटेशन सब खत्म, पिताजी बिना मुझसे पूछे एक कदम नहीं हिले। तो इस सारे बीच में जॉब में लगने के बाद मेरे बाद वाली बहन की शादी हुई, फिर उसके बाद सेकंड नंबर इनकी शादी हुई, पिताजी थे, फिर
थर्ड नंबर बहन की शादी हुई, तब भी पिताजी थे। उसके बाद सन 95 में ठीक 63 साल की उम्र में मेरे पिताजी का देहांत हुआ। वो दिन मेरे लिए बहुत कठोर था, लेकिन मेरे पीछे मेरे बहुत छोटे थे सब, ये छोटा भाई है, सारे छोटे भाई बहन थे, तो मुझे अपने को सुदृढ़ करना पड़ा। जब मैं अपने पिताजी को लेकर के, मेरे पिताजी के मुंह से खून की उल्टी हुई थी, घर से लेके आया था, तो ला करके सबसे पहले मैंने मनोज जोशी, डॉक्टर मनोज जोशी को चेकअप कराया, चट्टा फैक्ट्री ले गए, उनका अल्ट्रासाउंड हुआ, एंडियोस्कोपी, और उसके तुरंत बाद डॉक्टर मनोज जोशी ने मुझसे सीधे शब्दों में कह दिया कि जोशी जी कुछ नहीं है, 15 दिन 20 दिन 1 महीना। मैंने अपने सारे परिवार को इकट्ठा कर लिया, सारे जितने भी बहन बहनोई छोटे भाई को भी बता दिया था भाई आ जाओ अब, क्योंकि मुझे बिल्कुल क्लियर हो। तो मेरे पिताजी का जाना मेरे लिए आज भी बहुत बड़ा आघात है, क्योंकि आज यदि ऐसी उम्र तो नहीं थी, आज यदि वो होते तो शायद बहुत सबसे ज़्यादा खुश हुए होते कि भाई 60 साल की नौकरी करने के बाद मेरा छोटा भाई तो पहले ही रिटायरमेंट आ गया, आर्मी से 26 साल की नौकरी करके आया, ये तो पहले ही रिटायर हो गया, और मैं तो आज पूरे 60 साल की नौकरी करने के बाद रिटायर हो रहा हूँ। इस नौकरी में भी मैंने अपने कर्तव्य को सबसे आगे रखा, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मैंने सब पीछे कर रखे, मेरा कर्तव्य मेरे आगे था, और जिस कर्तव्य को मैं लेके चलता था, घर में कई बार कलेश हुआ है, चिक-चिक हुई है, तो लेकिन मैंने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा, चाहे ये कुछ कहते रहे, कोई कुछ कहता रहे, मैंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। इसी का नतीजा है कि आज इस 60 साल की सेवा में मैं बेदाग निकला हूँ, और मेरी व्यक्तिगत पत्रावली में एक भी सिंगल कागज ऐसा नहीं लगा है जिसमें मुझसे स्पष्टीकरण लिया गया हो या मुझसे ये कहा गया हो कि तुमने ये काम गलत किया है, ऐसा कोई पेपर मेरी किसी भी व्यक्तिगत पत्रावली में आज तक नहीं लगा। मैंने 12 साल पब्लिक सेक्टर की नौकरी की और राजा बन के नौकरी की, जो कहता था वही होता, और इसी तरह से मैं अपने राष्ट्रीय सेवा में नौकरी की। लेकिन शुरू शुरू में मैं बड़ा क्रोधी प्रवृत्ति का था, मुझे मेरे साथी को लेकर दुर्वासा के नाम से जानते थे, मेरा नाम दुर्वासा हाँ दुर्वासा के नाम से जानते, बहुत क्रोधी प्रवृत्ति थी, लेकिन वो क्रोध मेरा किसी से शत्रुता नहीं थी, काम के प्रति था, और जिस काम को करूँगा उस काम में पूरी तन्मयता दूंगा। मैं अपनी सेवा काल में शायद ऐसा कर्मचारी पहला रहूँगा जो कि एक IAS अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ये कह दे कि सर ये नहीं हो सकता, जबकि जिला स्तरीय अधिकारी जो उनके साथ होते हैं, हाँ सर देखेंगे, हाँ सर देख लेते हैं, हाँ सर हो जाएगा, हाँ सर करके चाहे नहीं होगा, लेकिन एक वो मैं पहला शख्स था जिसने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा सर ये नहीं होगा, और कारण पूछा, मैंने स्ट्रेट कारण बताया, और उस कारण की पुष्टि उन्होंने दिल्ली से की। उसके बाद उसको, उस अधिकारी को ये लगा कि नहीं मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और आज तक बोलता आया हूँ, बाकी आज मेरे बच्चों ने, मेरी धर्मपत्नी ने ये क्या किया, कैसे ऑर्गेनाइज किया है, क्या किया है मुझे नहीं पता, ये सब इन्हीं की देन है, मैं तो जसपुर से रिटायर होकर मेरे साथी मुझे यहाँ लाए हैं, ये जो कुछ है ये सब इन्हीं लोगों ने किया है, और इन लोगों का साथ मुझे मिला है इसमें कोई शक नहीं है, अगर इन लोगों का साथ नहीं मिलता, चाहे लाख झगड़े हुए हों, लेकिन साथ इन लोगों का ही मिला है तभी ये घर मिला है, घर बन पाया है, और आगे भी मिलता रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब ये नहीं है कि हम उम्र से, अभी तो हमारे जीने की उम्र अब आई है, अब जिएंगे अपनी मर्जी से, नौकरी की गुलामी की जिएंगे अपनी मर्जी से, ये हुई बात बिल्कुल। It's the joy of your great grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace, no, we ain't losing ground. We won't give up, and we.
we won't turn around. No. Look at the big wide world. आज 31st भी है. अभी तो पार्टी शुरू हुई है. Until I discover it. अब मैं नए सिरे से अपनी लाइफ शुरू करने वाला हूँ और विदाई तो एक बहाना है. अब नई तरंग, नई उमंग, नई आशा से फिर से जीवन शुरू करने वाला हूँ मैं अपनी नई नई ऊषा, नई किरण और सब ये चमकेगी मेरी दिन रात. फिर से मैं विदाई तो एक बहाना है. भाग दौड़ जो थी वो छूटी. अब अपने पे स्वास्थ्य पे ध्यान देना है. सुबह योगा करना है. स्वस्थ रहना है. अपने बच्चों के साथ अपने को समेटना है. सही बात है. सबसे जो छूटा है लंबे दौर से उन सबको समेटना, प्यार से सबको एक सूत्र में बांधना है. वो एक आशा की डोरी मोती की तरह टूटे ना, बिखरे ना, उसको एक सूत्र में जोड़ना है. बहुत सुंदर ढंग से भवाली रहे आप, अल्मोड़ा रहे या जहाँ भी रहे, कभी SDM कभी DM, हर जगह आपका नाम सुनने को आता था. अच्छा लगता था, हमको भी खुशी होती थी, बहुत ज्यादा खुशी होती थी कि देखिए एक हमारे सगे संबंधी हैं जो हर तरह से उनका हो रहा. इसी तरह इसी नई उम्र के साथ, अपने जोर के साथ, नई उत्साह के साथ आगे की जिंदगी शुरू करें. प्यार से, स्नेह से, एक दूसरे. अब बहुत टाइम है कि अब हम सब लोगों को भी अपने साथ जोड़ के
फिर से नहीं आशा के साथ किसी भी सुबह जैसे थे बिना तैयार करे बोलना भी बहुत बड़ी बात होती है। आजकल के बच्चे नहीं कहूंगी, हम भी कभी आजकल के थे, हम बच्चों को कहते हैं आजकल के, तो वो ठीक है, हम भी आजकल ऐसे थे और बच्चे भी आजकल वो ही है जो हम थे। तो उन बच्चों के लिए विशेष, और मैं चाहती हूँ ये वीडियो मेरा बेटा लक्की जरूर देखे, लोकेश जरूर देखे। रिटायरमेंट किसी चीज का भी हो सकता है, जॉब का, मैं अब काम नहीं करता, बच्चों तुम देख लो, अब मेरे बस का नहीं है। माँ भी कहती है कभी, मैंने बहुत कर लिया अब तुम कर लो ना। तो अपने बच्चों से माँ बाप कहते हैं, बेटा बेटी तुम मेरा मान बनोगे, बेटा बेटी से कह रहे हैं माँ बाप, तुम मेरा मान बनोगे, अभिमान बनोगे, दुनिया के भंवर में उतर कर तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना होगा, दुनिया के भंवर में उतर कर तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना होगा, खुद की नज़रों से पहले तुम्हें मेरे अनुभव की नज़र से देखना होगा। लहरें आएंगी जाएंगी, लहरें आएंगी जाएंगी, तुम खुद अपनी नाव और मेरी भी पतवार बनोगे, बेटा बेटी तुम मेरा मान बनोगे, मेरा अभिमान बनोगे, तुम मेरा अनुभव और माँ की हिम्मत, तुम मेरा अनुभव और माँ की हिम्मत लेना, मुश्किलों से घबराना नहीं, मुश्किलों से लड़ जाना, हार सुरक्षित हो भले, हार सुरक्षित हो भले, लेकिन तुम जीत जाने पर अड़ जाना, मैं तुम्हारा और तुम अपने बहन की राह बनोगे, भाई के लिए विशेष कि तुम अपनी बहन की राह बनोगे, बेटा बेटी तुम मेरा मान बनोगे, मेरा अभिमान बनोगे। हालात तुम्हारे खिलाफ भी होंगे, कुछ तुम्हारे साथ भी होंगे, बुरे में अच्छा और अच्छे हालातों में तुम्हें और भी अच्छा बनना होगा, तुम्हें बुरे हालातों में और भी अच्छा बनना होगा, तुम अकेले ही नहीं, तुम्हें सबके ही साथ लेकर, घर परिवार माँ बाप और बहन को साथ में लेकर चलना होगा। तुम सबके नहीं मेरे भी राम बनोगे, बेटा तुम मेरा मान बनोगे, बेटा बेटी तुम मेरा अभिमान बनोगे। सफर ये जिंदगी तुम्हें अपने कई रंग दिखाएगी, रूप शोहरत और जाने किस किस बहाने तुम्हें रिझाएगी, तुम खुद पर संयम रखना, तुम रात के अंधेरों में किसी की चांद की किरण तो किसी की ध्रुव में कोई मध्यम ठंडी पवन बनोगे, बेटा तुम मेरा मान बनोगे, बेटी तुम मेरा अभिमान बनोगे। एक माँ बाप के विचारों के लिए धन्यवाद। इन लोगों का इतना अच्छा सहयोग मुझे मिला, ये बहुत प्यारे बन गए, और इनके साथ साथ सबसे ज्यादा प्यारा है आदमी मोहम्मद आरिफ का नाम है, और ये किसी भी समय मैं रात को 12 बजे फोन कर दूं, यहां पर हूं, आ जा गाड़ी लेके पहुंच। पूरे साल जहां जब मैंने फोन किया ये अपनी गाड़ी लेके पहुंच गया, ये मुझे छोड़ने हल्द्वानी भी आया गाड़ी। तो इतना सहयोगी स्टाफ बहुत कम है, लेकिन बहुत ज्यादा है मेरे लिए, बहुत ज्यादा है, 100 के स्टाफ से भी ज्यादा है, इतना इनका सहयोग रहा है, काम के मामले में, राजकीय कार्य के मामले में, और साथ में ओबीडियंसी के मामले में, जो कहा सतीश जी हैं, अभी मैंने आज मानी के फोन पर भेजा है, पीपीटी बनाया है इन्होंने, उस रिटायरमेंट का पीपीटी जब चला तो 2-3 स्टाफ उसमें ऐसे जो काशीपुर से आए थे उन्होंने लग गए, बहुत सुंदर पीपीटी इन्होंने बनवाया। ये कोपा ट्रेड से हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट आप इधर से हैं, और इनकी तो ऑलराउंड भूमिका है, सारी भूमिका है ऑलराउंड, जिस काम को जहां जरूरत पड़ी आ रही है ये करते, मतलब ये आइडिया के ही उसी महुआ डाबरा गांव में ही रहते हैं, जिस काम में जहां पर जो काम अटका आ रही है करना, और आगे करते आगे करके लाएगा, कहीं से भी करके लाएगा, ये कर लाएगा। तो इन्हीं के सहयोग से ये पता नहीं उन्होंने इतना बड़ा एक बहुत सारा आइटम, जबकि 2-3 ही बन रहे हैं, इतना बड़ा आइटम रखा हुआ है, ये इनका प्यार है, ये इसकी मैं कीमत नहीं जान सकता, ये मेरे लिए बेशकीमती उपहार है, ये आप लोगों का प्यार है, और इसे मैं जिंदगी भर नहीं, ये आपको एक कोशिश है बस मेरे मन में है कि भाई जो दिल में कि भाई मेरा 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 स्टाफ है, मैं यहाँ भी रहा, मैंने यहाँ से भी फोन करके जिससे जो कहा वो काम तुरंत हो गया, जैसे अगर कहीं ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन मुझे आ रही है मैंने फट ट्रांसफर इनको करी, चाहे इनको करी, वो काम होके निकल गया, तो मुझे कहीं भी इनकी ओर से नीचा नहीं देखना पड़ा किसी अधिकारी के साथ,
ये सबसे बड़ी आप लोगों को ताज्जुब होगा, इतने से स्टाफ से जसपुर आईटीआई की करीब 3 एकड़ जमीन है जिसमें से आधी में तो बिल्डिंग बनी हुई है, आधी खाली है। इसी साल, इस एक साल के रहते इन दोनों लोगों के सहयोग से कम 25,000 का प्लांटेशन किया है, जिसमें बड़े दुर्लभ पेड़ लगाए हैं, सफेद चंदन, लाल चंदन, रवीना पाम, हरिका पाम, मतलब नवीना, इतने पेड़, मतलब पूरा पूरा पार्क जैसा बना के आए हैं। और ये सब इन लोगों का सहयोग था, बस मैं तो इनके साथ खड़ा था। इतना प्लांटेशन करके आए हैं, कम से कम 500-600 पेड़। सफेद चंदन बड़ा दुर्लभ है, रुद्राक्ष बड़ा दुर्लभ है, रुद्राक्ष के 4 पौधे लगा रखे हैं। जिस दिन वो पौधे जसपुर आईटीआई में बड़े हो जाएंगे, रुद्राक्ष लगेंगे, लोग दूर दूर से देखने आएंगे, क्योंकि उस इलाके में कहीं मेरे ख्याल से उधम सिंह नगर जिले में नहीं है। Take our time. I wanna say.